चलिए आगे बढ़ते हैं और बात जयपुर की। देखिए, जयपुर के गोविंद देव मंदिर और उसके आसपास के इलाके का विकास किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है, गोविंद देव जी मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर किया जाएगा। क्या है इस मंदिर की खासियत और क्या है इससे जुड़ी मान्यताएं, देखिए इस रिपोर्ट। गिरिधर, मुरलीधर, मधुसूदन, यशोदा नंदन, गोपाल, गोविंद, सुदर्शन धारी श्री कृष्ण, 64 कलाओं में निपुण विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। देश भर में भगवान श्री कृष्ण के हजारों मंदिर हैं, अनेक रूप हैं, उनमें से ही एक रूप है अवतारी कृष्ण का स्वरूप। आज हम आपको कराएंगे अवतारी कृष्ण के स्वरूप के दर्शन। भगवान श्री कृष्ण के भारत वर्ष में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, मगर जहन में कई बार एक ख्याल आता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार रूप में कैसे दिखाई देते थे। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप का दर्शन करना है जब वो अवतारी पुरुष के रूप में इस जगत में आए तो समय कैसे दिखाई देते थे, तो आप जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर चले आइए। यहाँ गोविंद देव जी मंदिर में विराजे गोविंद देव जी हूबहू भगवान श्री कृष्ण के अवतारी रूप से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है गोविंद देव जी का मंदिर। ये मंदिर जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर वाला मंदिर है। भगवान कृष्ण धरती के जन्मदाता, पालनहार भी और संहारक भी, यानी विनाश करने वाले भी श्री कृष्ण ही हैं। गोविंद देव जी को जयपुर के आराध्य के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति धरती पर अवतार के दौरान भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। कहा जाता है जब पड़पोते वज्रनाभ 13 साल के थे तो उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि दादी, भगवान श्री कृष्ण आखिर दिखते कैसे थे। तब दादी ने कहा कि चलो तुम निर्माण करो उस रूप का, तो अपन कोशिश करते हैं कि उस स्वरूप को बना दें कि आखिर वो कैसे दिखाई देते थे। तो लगातार उन्होंने जब शिला पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बनाया तो कहते हैं मूर्ति को देखते ही उनकी दादी ने घूंघट कर लिया और कहा कि हाँ, यही वो स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का जो हूबहू दिखते थे, और वही मूर्ति आज गोविंद देव जी मंदिर में विराजमान है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जो संपूर्ण स्वरूप अवतारी रूप में था, उसके अगर साक्षात्कार दर्शन करने हैं तो गोविंद देव जी मंदिर में हो सकते हैं। गोविंद देव जी मंदिर भारत के सबसे दिव्य और शानदार मंदिरों में से एक है। जयपुर शहर को इस मंदिर के यहाँ होने का काफी गौरव है। श्री कृष्ण भक्तों में वृंदावन के बाद ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मंदिर है। औरंगजेब के समय में जब मंदिर को मूर्तियों का खंडन प्रारंभ हुआ, उस समय उन्होंने यहाँ के वर्तमान में राजा जयसिंह जी को आदेश स्वप्न आदेश दिया कि जो तुम स्थान पे अभी बैठे हो वो स्थान मेरा है। यहाँ पे जो शिव विग्रह गर्भगृह है वो पहले यहाँ पे राजाओं की आकेट स्थली थी, वो स्थान को खाली करके यहाँ पे यहाँ से लेके बादल महल तक का पूरा जो परिसर है ये मंदिर श्री गोविंद जी को उस समय के राजा के द्वारा यहाँ पे समर्पित कर दिया गया। गोविंद देव जी का मंदिर चंद्रमहल गार्डन से लेकर उत्तर में ताल कटोरे तक विशाल परिसर में फैला हुआ है। इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतारी स्वरूप के साक्षात स्वरूप के अगर दर्शन करने हैं तो गोविंद देव जी मंदिर में होते हैं। लेकिन गोविंद देव जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा आखिर यहाँ पहुँची कैसे, इसके पीछे लंबा इतिहास है। कई स्थानों से गुजरती हुई गोविंद देव की मूर्ति आज यहाँ विराजमान है। औरंगजेब के समय जब देश भर में हमले हो रहे थे और लगातार हिंदू प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा था, तो कहा जाता है उस समय जयसिंह जी को स्वप्न में आया कि आप जहाँ विराजे हैं वहाँ मुझे विराजना है, और इसके बाद अनेक स्थानों से होती हुई गोविंद देव जी की मूर्ति आज जहाँ विराजमान है गोविंद देव जी मंदिर में पहुँचती है। श्री गोविंद देव जी मंदिर सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्थानों में से एक है। अपनी भव्यता और हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रतीक मंदिर को देखने दुनिया भर से भक्त यहां आते हैं। लगातार गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों की श्रद्धा बढ़ रही है और यहां का जो भव्य और सुंदर मंदिर है उसमें भी यूरोपीय
और भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। और फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस हॉल की भी एक खास विशेषता है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको कोई भी अलग से आधार नजर नहीं आएगा, कोई खंभा नजर नहीं आएगा, और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है। आरती और मधुर भजन भक्तों का मन मोह लेते हैं। दिन भर में 7 बार ये भजन गाए जाते हैं। ये मंदिर हमेशा भक्तों से भरा होता है। रोज हजारों भक्त यहाँ गोविंद देव जी के दर्शन करने आते हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी पर यहाँ की छटा निराली होती है। जयपुर के बसावट के पहले ही ठाकुर श्री जी का यहाँ पर पदार्पण हो चुका था। इसी कारण यहाँ के राजाओं ने यहाँ के उनको आराध्य देव की से उनको पूजा, और उन्होंने अपने बाकायदे आलेख में भी ये लिखा हुआ है कि राज तो गोविंद का ही रहेगा और हम मुसाहिब के रूप में उनकी सेवा हमेशा करते रहेंगे। इसी कारण यहाँ पे जो भक्त हैं वो गोविंद को अपना सब कुछ मानते हैं। श्री कृष्ण की ये अवतार स्वरूपी मूर्ति वृंदावन के गौमा टीला नामक स्थान से 1535 में मिली थी। वहीं एक छोटी सी कुटिया में इस मूर्ति को स्थापित किया गया। आमेर नरेश मान सिंह ने गोविंद देव जी का भव्य मंदिर बनाया। इस मंदिर में गोविंद जी 80 साल विराजे। औरंगजेब के शासनकाल में ब्रज पर हुए हमले के समय गोविंद जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से गोविंद जी जयपुर के राजकीय महल में बने मंदिर में विराजमान हैं। गोविंद देव मंदिर के आसपास के पूरे इलाके को अब और सजाया सवारा जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए से भव्य कॉरिडोर और विकास के दूसरे काम किए जाएंगे। काशी विश्वनाथ और महाकाल के मंदिर बने हैं। हम चाहते हैं कि उसी लाइन पे भव्य मंदिर बने, जिससे कि आने वाले दर्शनार्थियों को सुविधा मिले और गोविंद देव जी का जो आस्था के केंद्र है लाखों लोगों के, उसके अनुरूप ये मंदिर का निर्माण हो और मंदिर का भव्य कॉरिडोर बने। ये प्रयास इसीलिए हमने पहले 25 करोड़ रुपये संग्रह किए थे, बाद में उसको बढ़ा के 100 करोड़ कर दिए। DPR बन रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही DPR बन के काम शुरू होगा, ये हमारा प्रयास है। लगातार गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों की श्रद्धा बढ़ रही है। इसके साथ ही एक नई जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि अब जल्द ही गोविंद देव जी मंदिर में 100 करोड़ रुपए की राशि लगाकर एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। हालांकि बजट घोषणा के समय CM अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, और जब वो रविवार को दर्शन करने आए थे या पूजा पाठ उन्होंने की थी, तो एक बार फिर उन्होंने कहा है कि जल्द ही गोविंद देव जी मंदिर में 100 करोड़ का भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा, और उस कॉरिडोर निर्माण के बाद भक्तों के लिए गोविंद देव जी मंदिर में आना और सुगम हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर।